नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के पूर्वी हिस्से में स्थित रायगढ़ जिले को राज्य की सांस्कृतिक नगरी क्यों कहा जाता है? यहाँ का कोसा रेशम और ढोकरा शिल्प विश्व भर में क्यों प्रसिद्ध है? या फिर इस जिले में एशिया की सबसे बड़ी किस धातु की कंपनी है? अगर नहीं तो हमारा आज का ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, रायगढ़ जिला केलो नदी के किनारे बसा छत्तीसगढ़ का शान है, जो अपने रियासतकालीन इतिहास के लिए काफी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि आजादी के पहले ये क्षेत्र कभी प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के शासन तले नहीं रहा। यहाँ हमेशा से राजाओं का राज रहा है, जो देश की स्वतंत्रता के बाद भारतीय संघ में सम्मिलित हो गए। इस जिले का निर्माण 1 जनवरी 1948 को ईस्टर्न स्टेट एजेंसी द्वारा किया गया था। ये पहले मध्य प्रदेश और बाद में छत्तीसगढ़ का हिस्सा बना। महाराज मदन सिंह को इसका संस्थापक माना जाता है। साथ ही रायगढ़ शहर की सबसे प्रसिद्ध दानी व्यक्ति करोड़ी मल को कहा जाता है, जिन्होंने रायगढ़ शहर के विकास में एक बड़ा योगदान दिया था। मौजूदा समय में ये जिला बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आता है और ये कुल 5203 प्रति वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वहीं इसकी अनुमानित जनसंख्या 9,50,913 है। जिले के कुल 73.14% लोग पढ़े लिखे वर्ग के हैं, जबकि यहाँ का लिंगानुपात प्रति 1,000 पुरुषों पर 959 महिलाओं की है। यहाँ की ज्यादातर आबादी हिंदू धर्म को मानती है। रायगढ़ जिले की प्रशासनिक मुख्यालय रायगढ़ शहर में स्थित है। जिले में कुल 7 ब्लॉक, 9 तहसील, 774 ग्राम पंचायत तथा 1,445 गांव हैं। यहाँ मुख्य तौर से हिंदी, छत्तीसगढ़ी, उड़िया और कुरुख भाषाएं प्रचलित हैं। रायगढ़ जिला छत्तीसगढ़ के 5 जिलों और एक राज्य उड़ीसा से अपनी सीमा साझा करती है। इस जिले में बिरहोर, गोंड, कंवर और उराव जनजाति के लोग ज्यादातर पाए जाते हैं। इस जिले की अर्थव्यवस्था पर नजर डालें तो यहाँ एशिया की सबसे बड़ी स्पंज आयरन की कंपनी जिंदल स्टील मौजूद है। इसके अलावा मोनेट इस्पात और कई छोटी बड़ी स्टील की अन्य कंपनियों का भी यहाँ के इस्पात उद्योग में काफी योगदान है। ये जिला अन्य धातुओं, कोयला, बॉक्साइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, फ्लोराइट, क्ले आदि से भी समृद्ध है। औद्योगिक कार्यों के अलावा कृषि भी रायगढ़ की अर्थव्यवस्था में प्रमुख भूमिका निभाती है। इस क्षेत्र में एक बड़ी जनजाति आबादी कृषि और वन उपज में लगी हुई है। कृषि आज भी रायगढ़ की अर्थव्यवस्था का मुख्य हिस्सा है। रायगढ़ अपने कोसा रेशम के उत्पादन और झारा जनजाति द्वारा बेहद खूबसूरत मूर्ति एवं अन्य कलाकारी किए जाने वाले ढोकला शिल्प के लिए भी प्रसिद्ध है। रायगढ़ की संस्कृति बेहद समृद्ध है और इसलिए इसे राज्य की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। रायगढ़ घराना कथक और शास्त्रीय संगीत में अपने योगदान के लिए जाना जाता है। यहाँ हर साल कला और संस्कृति को बढ़ावा देने वाले चक्रधर समारोह का आयोजन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि महाराजा चक्रधर एक मशहूर तबला वादक थे और उन्होंने यहाँ कला और संस्कृति को खूब प्रोत्साहन दिया। यहाँ का गीत संगीत भी काफी लोकप्रिय है। इस जिले के पर्यटन की बात करें तो यहाँ खूब सारा हरा भरा जंगल, पहाड़ और गुफा मौजूद है। इसकी प्राकृतिक छटा अपने आप में अनोखी है। प्राकृतिक जल स्रोत राम झरना यहाँ एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इसके अलावा गौरी शंकर मंदिर यहाँ का प्रमुख धार्मिक स्थल है। आप यहाँ फेमस रायगढ़ का मोती महल भी देख सकते हैं, जिसके नाम पर इस जिले का नामांकन किया जाता है। रायगढ़ जिले की सिंघनपुर गुफा, कबरा गुफा और बोतलदा की गुफा छत्तीसगढ़ के उन गुफाओं में से एक है, जो अपने कई विशेषताओं के लिए जाना जाता है। अब अगर आप भी यहाँ आने और घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपको बता दें कि इस जिले की कनेक्टिविटी बेहद ही शानदार है। आप यहाँ रेल, हवाई या सड़क किसी भी मार्ग के द्वारा आसानी से पहुँच सकते हैं। बिलासपुर हवाई अड्डा यहाँ से महज 135 किलोमीटर दूर है, तो वहीं रायपुर एयर बस यहाँ सबसे पास हवाई मार्ग का स्थान है। ट्रेन के जरिए आप यहाँ रायगढ़ रेलवे स्टेशन आसानी से पहुँच सकते हैं। इसके अलावा सड़क के जरिए भी राष्ट्रीय राजमार्ग 153 के सहारे भी आप यहाँ बड़ी सुगमता से पहुँच सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।